हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी प्रॉन की एक रेसिपी, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम प्रॉन ले लिया है। उसमें थोड़ी सी सॉल्ट, हल्दी और रेड चिली पाउडर देके इसको मैरिनेट कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। ऑयल हीट हो जाने के बाद इसमें मैंने जो प्रॉन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। एक इसको एक सैलो से फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद इसको एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। फिर उसी ऑयल में मैंने 2 इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, ड्राई रेड चिली इसको डाल के और थोड़ा सा काला जीरा डाल के ऊपर से मैंने जो जिंजर गार्लिक और अनियन को पेस्ट करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे और ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए मिला लेंगे। फिर ऊपर से मैंने यहाँ पे टोमेटो का पेस्ट डाला है। फिर इसको थोड़ी देर चलाने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा हल्दी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और किचन किंग मसाला देके इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। फिर ऊपर से मैंने एक पेस्ट बना के रखा हुआ था, जो पॉपी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स और चार मगज को थोड़ी थोड़ी लेके इसको पेस्ट करके इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसके साथ भून लेंगे। बट आप देख सकते हो इसके से ऑयल छोड़ दिया है। फिर ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी दे देंगे कलर के लिए और जो कोकोनट मिल्क 2 कप के बराबर वो भी मैंने यहाँ पे डाल देंगे और इसके साथ मिला लेंगे और 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। फिर ऊपर से जो प्रॉन फ्राइड करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे और इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से मैंने 2 कप गर्म पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे। फिर उबल आने के बाद ऊपर से मैंने इसको ढक्कन दे देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद मैंने ऊपर से 2 ग्रीन चिली डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। तो मेरा प्रॉन मलाई करी, प्रॉन का करी रेडी हो गया है। ये बंगाली स्टाइल में इसको चिंगड़ी मलाई करी कहते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू।